वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल माइस की क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे फाइबोनाची सीरीज का। तो बनाने से पहले हम लोग जान लेते हैं फाइबोनाची सीरीज क्या होती है। फाइबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें थर्ड टर्म से जो थर्ड टर्म होता है फर्स्ट दो टर्म का सम होता है, फिर नेक्स्ट टर्म जो फोर्थ आएगा पिछले दो टर्म का सम रहेगा। अब उसके आगे जितने भी टर्म आएंगे वो अपने लास्ट दो टर्म के सम होते चले जाते हैं। इस तरह से एक सीरीज बनती है। स्टार्टिंग के दो टर्म इसमें फिक्स होते हैं, 0 और 1। नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 0 1 का सम आएगा, उसके बाद जो नंबर आएगा वो 1 और 2 का सम आएगा। ऐसे जो है सीरीज बनती चली जाती है। तो ये हो गया हमारा फाइबोनाची का इंट्रोडक्शन। और अब हम लोग इस एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके थ्रू हम ये फाइबोनाची सीरीज प्रिंट कर लें। तो ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले जो है मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट डबल कोट्स स्लैश एन डबल कोट्स स्लैश एंटर इनेटर नहीं एंटर नंबर ऑफ टर्म्स टर्म्स क्यू want and Fibonacci series। ठीक है, ये हमने मैसेज प्रिंट कर दिया और इससे वैल्यू दे दी सेमी कोलन। आगे इस नंबर को हम जो है स्टोर कर लेते हैं स्कैनएफ से, स्कैनएफ डबल डबल कोट्स परसेंट डी एम परसेंट नंबर के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक चलना है वो हम इसमें स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हमारे जो दो टर्म है फिर हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इक्वल टू थ्री आई लेस देन इक्वल टू नाम। अभी मैं इसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपके सामने ताकि पूरा पूरी तरह ये क्लियर हो जाए आपको प्रोग्राम। और आई प्लस प्लस उसके बाद इसके हम लूप्स ओपन कर लेंगे कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पे जो है वन इक्वल टू टी टू लिख देंगे। पहले जो मेन लॉजिक है वो हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे के प्रोग्राम हम लोग और मॉडिफाई कर लेंगे। टी टू इक्वल टू टी थ्री कर लेते हैं और टी थ्री हमारा जो हो जाएगा टी वन प्लस टी टू। ये सिंपल लॉजिक है इसका। उसके बाद इसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट डबल कोट्स परसेंट डी और यहाँ पे हम लोग पी थ्री की वैल्यू प्रिंट किया करेंगे। यही हमारा सक्सेसिव टर्म रहेगा। इतना हो गया, अब ऊपर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हाँ ऊपर हमारे पास वेरिएबल होने चाहिए एंड टी वन होगा हमारे पास टी वन कॉमा टी टू रहेगा कॉमा टी थ्री कॉमा आई इतने वेरिएबल रहेंगे। उसके बाद टी वन इक्वल टू हमें 0 रखना है फर्स्ट टर्म रहेगा, टी टू हमारे पास जो है तो 1 रखना है सेकेंड टर्म हो जाएगा। और इस और एक नम भी यहाँ रहेगा हमारे पास जहाँ तक लूप चलना है, इस टर्म तक हमें लूप चलाना है। और यहाँ के बाद हम एक प्रिंट एफ और लगाएंगे, प्रिंट एफ
फोर्स PI5O, फाइबो नेक की स्पेलिंग क्या होगी? फाइबो एंड ACCC, फाइबो नेक सीरीज इज परसेंट डी, यहाँ पे हम फर्स्ट दो टर्म प्रिंट कर लेंगे, P1 कॉमा, और उसके बाद हम लूप के अंदर चले जाएंगे, लूप वहां तक चलेगा और ये काम होता जाएगा हमारे साथ, चक्कर में आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये लूप अब प्रिंट हो जाना चाहिए। और इसके बाद हम इसे सेव करते हैं और यहाँ पे हम अपना उसको रन करते हैं, GCC स्पेस फाइबोनैकी डॉट सी। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, अब इसको हम लोग रन करते हैं। प्रोग्राम बोले नंबर ऑफ टर्न पूछ रहा, हमें 5 टर्न चाहिए फाइबोनैकी सीरीज के। फाइबोनैकी सीरीज इज 0, 121, 41, 62, कुछ गड़बड़ आ रहा है, चलिए देख लेते हैं क्या दिक्कत है। फाइबोनैकी सीरीज, फाइबोनैकी सीरीज में दिक्कत यह है कि यहाँ पे T3 हमने असाइन नहीं किया है, T3 में नंबर कुछ गार्बेज पड़ा हुआ है, T3 को 0 कर दीजिए। अब इसके बाद जो है सेव करिए, अब यह प्रोग्राम सक्सेसफुल रन होना चाहिए, चलिए फिर से ट्राई करते हैं। इसीलिए मैं लाइव प्रोग्रामिंग करता हूँ ताकि आप लोग को पता चल सके जो है कि क्या दिक्कतें आती हैं टाइम पर। प्रोग्राम रन हो रहा है, 5 टर्न चाहिए हमें इसमें, 0, 1, 1, 1, 2, अभी भी कुछ दिक्कत है। T1, T2, T3 पहले थोड़ा स्पेस दे दिएगा इस वाले में दिखाई दे, ठीक है। ये हमारा लॉजिक ये कह रहा है T1, T2 की वैल्यू सही प्रिंट हो गई हमारे पास, %D%D, 0 और 1। आफ्टर T3 में हमने क्या किया, 0, 1 इसमें आ गया और T3 में 0 आ जा रहा, T3 में 0 नहीं रहना चाहिए। T3 यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आप जो है, अब देखिए यहाँ लॉजिक फंस रहा है, T2, T3 0, 1 वैल्यू 1 कर दीजिए, एक टर्म आगे बढ़ जाइए, अब चलाइए। अब इसको हम लोग फिर से रन करते हैं और अब भी ये सही से रन होना चाहिए। राम रन हो रहा है, हो रहा है, सिस्टम स्लो लग रहा है, आया 5 टर्म हम कुछ है, 0, 1, 1 प्लस 2, 2, 2 प्लस 1, 3, 3 प्लस 2, 5 जी। अब ये प्रोग्राम सक्सेसफुल बन गया है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ी सी गलती की वजह से जो है ये प्रोग्राम थोड़ा डिले भी हो सकता है, लेकिन अब ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ले लिया, पहले से 3 टर्म हमने बना लिए, एक लूप काउंटर बना लिया वाई आई नाम से और नंबर ऑफ इटरेशन के लिए नाम ले लिया, कितने दूर तक हमें कितने टर्म तक फाइबोनैकी सीरीज प्रिंट करनी है। T1 ले लिया, T2 T1 0 कॉन्स्टेंट होता ही है, पहला टर्म सेकंड टर्म 1 होता है और थर्ड टर्म हमने 1 रख लिया, उसको आगे चल के हम लोग सम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हमने उससे इनपुट ले लिया कितने नंबर तक चाहिए उसको,
उसके बाद जो है पहले जो टर्म हमने प्रिंट कर लिया यहाँ पे जीरो और वन, उसके बाद हमने लूप चला लिया, लूप के अंदर सेकंड टर्म को हमने असाइन कर दिया फर्स्ट टर्म में, अब इस पी वन की वैल्यू वन हो गई, और सेकंड टर्म में हमने थर्ड टर्म को असाइन कर दिया, इसमें पी टू की वैल्यू भी वन हो गई, और थर्ड टर्म में दोनों का सम कर लिया, मतलब लास्ट दो टर्म के सम इसमें आ गए हमारे पास। ठीक है, तो जीरो वन प्रिंट हो चुका था, लास्ट में वन प्लस वन टू आ गया, तो पहले टू प्रिंट होगा फिर उसके बाद फिर यह असाइन हो जाएगा इसमें, और टी थ्री टू है तो अब ये टी टू टू हो जाएगा, और ये टू प्लस थ्री फाइव हो जाएगा। इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, और ये आपने आउटपुट में देखा उधर। ठीक है, तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था, और इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।